चलिए ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। गुलाबचंद कटारिया के साथ वो मौजूद हैं। ऐश्वर्य, फैसला यहां पर पढ़ा गया, दोषी करार दिए जा चुके हैं चार लोग, इंतजार अब सजा को लेकर है। देखिए, तत्कालीन गृह मंत्री थे गुलाबचंद कटारिया साहब, जो अभी नेता प्रतिपक्ष है, तो ये बखूबी जानते हैं और उनको उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले इसके लिए पूरे प्रयास किए गए थे उस वक्त, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से परे ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही सोचते हैं कोई भी राजनेता होगा वो यही सोचेगा। लेकिन गृह मंत्री उस वक्त के गुलाबचंद कटारिया साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि वो मंजर कैसा था और आज इतने वर्षों बाद जब उन्हें सजा सुनाई जाएगी तो अब थोड़ा सुकून तो मिलेगा उन परिवारों को जिनके जख्म अभी तक हरे हैं। तो निश्चित रूप से ये मेरे गृह मंत्री काल में हुआ था, जिसका मुझे भी दुख था, पूरे राजस्थान को दुख था। इस प्रकार की घटना हुई जो बहुत ही हृदय विदारक थी। लगातार एक के बाद एक सीरियल बम फटते गए और कई लोग इंजर्ड और कई लोग मौत के शिकार हुए थे। हमने कोशिश की थी कि उन अभियुक्तों तक पहुँचें, तो हमने हमारी तफ्तीश के माध्यम से हम वहाँ तक तो पहुँच गए कि इसमें कौन कौन लोग हैं, और उस केस बना करके भी हमने कोर्ट में दाखिल कर दिया। लेकिन समय बहुत लगने के कारण से लोगों के मन में एक निराशा होना स्वाभाविक है। इस प्रकार के संगीन केसों में भी बहुत विलम्ब होता है, जो एक हर व्यक्ति को इसके मन में एक पीड़ा रहती है। लेकिन सौभाग्य से इतने लंबे समय के बाद भी आज उनको जो सजा हो रही है और जो केस के बारे में मान रहे हैं कि हाँ ये अभियुक्त हैं, और ऐसे लोगों को जो दंड दिया जा रहा है, मैं सोचता हूँ कोर्ट क्या दंड देगी, लेकिन सबकी भावना तो ऐसी, ऐसे व्यक्तियों के साथ उसी प्रकार का ट्रीटमेंट करना चाहिए जैसा उन्होंने लोगों की जाने ली थी, ठीक उसी प्रकार से हो तो अच्छा है। बाकी तो कोर्ट सर्वोपरि है, जैसा भी निर्णय देगी। लेकिन मुझे इस बात का ज़रूर दुख है कि विलंब बहुत होता है ऐसे केसेज में भी, डे टू डे ट्रायल करके इस प्रकार के लोगों को तुरंत सजा दी जाए तो शायद हो सकता है भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। उस वक्त आप लोगों ने त्वरित कार्रवाई की, एसओजी एटीएस से लेकर तमाम जो टीम थी वो लगी रही और आखिरकार यहां तक पहुंचा, लेकिन देरी तो होना देश में ये सबसे बड़ी विडंबना भी है, देरी हुई है, ये बात तो खैर सही है। देखो, मैं भी उस समय स्थान पर मौके पर पहुंचा था, राज्यपाल महोदय जो उस समय थे वो भी मौके पर पहुंचे थे। सब लोगों की भावना ये थी कि इन पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की, वो हमने करने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ मेरी पुलिस की जितनी एजेंसी थी सबको इस प्रायोरिटी वाले केस पे लगा करके हम अभियुक्तों तक पहुँचे, और जो कार्रवाई हम करके कोर्ट तक पहुँचाना था वो हमारे डिपार्टमेंट ने किया था। बाकी इतना समय जो न्यायालय में लगा, इसके बारे में तो न्यायालय ही इसके बारे में कुछ कह सकता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो देश भर में ये उस वक्त बम विस्फोट हुए थे जिनमें जयपुर भी फहरिस्त पे था, ये बचाना कितनी बड़ी चुनौती रहा, क्योंकि उस वक्त चर्चाओं में था कि अन्य शहर भी निशाने पर थे, अन्य भी कई टारगेट थे, और उन सब तमाम चुनौतियों से आप लोग जूझे। देखो, उन वर्षों में इस देश का एक माहौल बन गया था, चाहे जहाँ बम फटना था, कभी वो अजमेर में फटता था, कभी यहाँ फटता था, कभी बस में फट जाता था, कभी ट्रेन के डिब्बे पर उड़ जाता था।